हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है हमारी कैटेगरीज लोड करवा ली थी और साथ ही साथ हमारा जो लोडिंग डायलॉग है वो भी सेट कर लिया था। तो अब इस वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, हमें जो है हमारे पेज के अंदर डेटा जो है वो लोड करना है। और डेटा हमने जो है ऑलरेडी फैच कर लिया था पिछले वीडियो के अंदर, तो हमें सिर्फ जो है हमारे व्यूज़ के अंदर डेटा सेट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है हमारा सर्वर जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने टैब जो है ओपन करके रखा है। तो आप भी अपना सर्वर पहले स्टार्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे अगर हम रिडक्स पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे स्टोर को देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी पेजेस के अंदर एक कैटेगरी बाय डिफॉल्ट लोड हो चुकी है जो कि है होम कैटेगरी। और यहाँ पे हमारे पास जो है 5 ऑब्जेक्ट्स है। ओके, ऑब्जेक्ट्स नहीं, जेसोन एलिमेंट है जिसके अंदर अगेन डेटा है हर एक व्यू के हिसाब से। तो अगर फर्स्ट वाला हम ओपन करते हैं एलिमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास है बैकग्राउंड, देन स्ट्रिप एड बैनर के लिंक है और उसके अलावा व्यू टाइप है और उसके अलावा इंडेक्स है। तो इंडेक्स वाइज जो है हमें सारे डेटा को जो है इंडेक्स वाइज जो है वो सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर बाय इंडेक्स हम यूज़ करेंगे और बाकी व्यू टाइप के हिसाब से हम जो है डेटा सेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे वीएस कोड पे और यहाँ पे हमें क्या करना है। ओके, यहाँ पे हम जो है सबसे पहले हमारी क्वेरी जहाँ पे हमने सेट की थी पेज एक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया था, गेट किया था। तो गेट के साथ साथ गेट के पहले डॉट ऑर्डर बाय और यहाँ पे हम कर देंगे इंडेक्स, सेव करेंगे और अब चेक करते हैं। ओके, हमने सेव कर दिया और अब डेटा चेक करते हैं। नंबर ऑफ बैनर्स, देन बैकग्राउंड, देन प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब जो है ये प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज आ रहा है इंडेक्स के सीक्वेंस के हिसाब से। तो अब जो है हम डेटा सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा सेट करना। तो कैटेगरी पेज एक्शंस को सबसे पहले तो हम क्लोज कर लेते हैं और हमारा जो होम फ्रेगमेंट है वो ओपन करना है। तो होम फ्रेगमेंट डॉट जे एस ओपन करेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो बैनर स्लाइडर है उसके अंदर हमें इमेजेस की अरे पास करनी है। तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा हमारा एलिमेंट के अंदर डेटा किस किस हिसाब से है और की वैल्यूज़ क्या है। नंबर ऑफ बैनर्स, बैनर 1, बैनर 2, बैनर 6, इस तरीके से हमने बैनर का जो लिंक्स है वो सेट किया हुआ है और साथ ही साथ बैकग्राउंड भी हमने उसी तरीके से सेट किया हुआ है और व्यू टाइप सेट किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो व्यू टाइप के हिसाब से हमें एक स्विच स्टेटमेंट जो है वो सेट करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये हम हैं होम फ्रेगमेंट के अंदर, ये हमारा ऐप बार है, इसे इसके नीचे बैनर स्लाइडर, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल स्क्रोलर, स्ट्रिप एड व्यू और ग्रिड व्यू है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम चेक करते हैं हम हमारे कैटेगरी पेजेस को एक्सेस कर लिया है। ओके, यहाँ पे हमने कर लिया है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर चलना है और स्टेट के अंदर चेक करना है बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या फ्रेगमेंट्स कौन सा पेज जो है वो लोड करवाया है। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेज की वैल्यू सेट करेंगे होम। ठीक है, तो हमें जो है होम पेज जो है उसे एक्सेस करना है, यानी कि हमारा जो कैटेगरी पेजेस स्टोर है, रिडक्स स्टोर है, उसके अंदर हमें होम के अंदर वाला जो डेटा है वो शो करवाना है। तो क्या करेंगे, ऐप बार के नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, देन दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैटेगरी पेजेस डॉट और डॉट नहीं, इसके अंदर हमें जो है ब्रैकेट्स की मदद से एक्सेस करना है। कैटेगरी पेजेस के अंदर हमें जो है होम चाहिए, होम के लिए क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट पेज
तो होम को हमने एक्सेस कर लिया। अब होम के अंदर क्या है, होम के अंदर हमारी पूरी अरे लिस्ट है। होम एक्चुअली एक पूरी अरे लिस्ट है। तो होम के लिए हम जो है मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगेन यहाँ पे आइटम ब्रैकेट के अंदर आइटम और इंडेक्स हमें मिलेगा, उसकी मदद से हमें यहाँ पे फंक्शन रन करना है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर हमें स्विच स्टेटमेंट जो है वो सेट करना है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, आइटम डॉट व्यू टाइप को हम चेक करेंगे, ठीक है, आइटम डॉट व्यू टाइप, व्यू टाइप। उसके बाद केस यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट 0 बैनर स्लाइडर के लिए। ओके एक सेकेंड, बैनर स्लाइडर के लिए 0 है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इमेजेस की लिस्ट बनानी है और बैकग्राउंड का ज़रूरत यहाँ पे है या नहीं हम देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे। अब 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर और इंडेक्स डिफॉल्ट 0। लेंथ यहाँ पे क्या होने वाली है, लेंथ यहाँ पे हम जो है आइटम के अंदर से नंबर ऑफ बैनर्स जो है वो हम एक्सेस करेंगे, नंबर ऑफ बैनर्स आइटम डॉट नंबर ऑफ बैनर्स, ठीक है, नंबर ऑफ बैनर्स। उसके बाद क्या करना है, हर एक बैनर काउंट हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है आई थिंक, बैनर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया है। तो आइटम नंबर ऑफ बैनर्स जो है 6 है, यानी कि हम जो है यहाँ पे इसे ऐसे रहने देते हैं, इसे 0 रहने देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजेस करके एक अरे बना लेंगे, लेट इमेजेस इज इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। उसके बाद यहाँ पे अरे का जो यहाँ पे जो है एलिमेंट जो है उसके अंदर हमें इमेज एक्सेस करनी है। तो इमेज कैसे एक्सेस करेंगे, आइटम के अंदर हमें चाहिए बैनर फोर, बैनर अंडरस्कोर 4 इस तरीके से। तो बैनर बैनर अंडरस्कोर और यहाँ पे हमें इंडेक्स जो है वो साथ में पास करना है इस तरीके से। बट यहाँ पे 0 नहीं है, हमें 1 से काउंट स्टार्ट करना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे और नंबर ऑफ बैनर्स जो है उसके लिए यहाँ पे +1 कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैनर अंडरस्कोर इंडेक्स करने से ये हमें इमेज मिल चुकी है, ये एलिमेंट जो है ये एक इमेज है, या फिर बैनर कर देते हैं बैनर। और इसको क्या करेंगे, इमेज की जगह यहाँ पे बैनर्स कर देते हैं। बैनर के अंदर हमें ये सिंपली बैनर को पुश कर देना है। तो बैनर्स डॉट पुश बैनर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट तो बन गई है। अब बैकग्राउंड की ज़रूरत शायद यहाँ पे हमें नहीं पड़ेगी डिस्प्ले करवाने, बट अगेन बैकग्राउंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यू बैनर ऐड करेंगे तो उस टाइम वो फील्ड हमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे एंड्रॉयड हमारा जो ऐप है उसके अंदर हमने बैकग्राउंड जो है वो भी सेट किया हुआ है। तो इसलिए हम जो है बैकग्राउंड यहाँ पे तो शायद हमें डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। उसके अलावा तो कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। तो बैनर्स हमने सेट कर लिया है, और अब क्या करना है, बैनर्स के बैनर्स लिस्ट बना लेने के बाद यहाँ पे सिंपली हमें हमारा जो बैनर स्लाइडर है वो हमें सेट कर देना है। और यहाँ पे इमेजेस जो है वो हम पास कर देंगे, बैनर्स, ठीक है, ये वाला बैनर्स। और अगेन यहाँ पे हम ब्रेक नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे डायरेक्टली बैनर्स बैनर स्लाइडर को। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं, आई होप कोई एरर ना आए। ओके एरर आ गया, मैप ऑफ अनडिफाइंड, ओके। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैटेगरी जो रिड्यूसर है, पेज रिड्यूसर यहाँ पे चलना है, और ये जो इनिशियल स्टेट है इसको हम नल कर देंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे इनिशियली जो है अगर हम यहाँ पे चेक करें तो कैटेगरी पेजेस एक एलिमेंट शो हो रहा है,
बट हमें जो है एलिमेंट शो नहीं करना है, हमें क्या करना है, नल सेट करना है डिफ़ॉल्ट में। तो इसे सेव करते हैं, क्लोज करते हैं और अब रन करते हैं। तो यहाँ पे अब जो है आप देख सकते हो लोड हो रहा है और कोई एरर नहीं है। अब इमेजेस इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, हमें चलना है। पहले तो ये नीचे जो हमने स्लाइडर ऐड किया हुआ है इसे हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो स्लाइडर है वहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमने कैसे इमेजेस सेट किए हुए हैं वो हमें चेक करना है। तो प्रॉप्स डॉट इमेजेस के हिसाब से हमें मैप फंक्शन हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। उसके बाद की है, स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर है और इमेज के अंदर सोर्स है। सोर्स जो है वो है स्टेप डॉट इमेज। तो स्टेप डॉट इमेज हमें नहीं करना है। हमें सिंपली यहाँ पे स्टेप चाहिए सिर्फ। सेव करते हैं और यहाँ पे लेबल की भी ज़रूरत नहीं है। की को जो है वो हम इंडेक्स सेट कर देंगे। उसके अलावा स्टेप का कहीं यूज़ किया है, एक्टिव स्टेप माइनस इंडेक्स। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी जो हाइट है डिव की वो हम पहले हटा लेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाइट है वो हम हटा लेंगे, बैकग्राउंड कलर भी हटा लेंगे और इमेज इमेज टैग के अंदर हमें एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। सी एस एस स्टाइल्स जो है हमें थोड़ी ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसकी हाइट हम सेट कर देंगे 250 पिक्सल्स। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट टाइप फिट जो है वो भी हमें ऐड करना है, जिसकी वैल्यू हम सेट करेंगे स्केल डाउन। और बैकग्राउंड कलर जो हम अगेन अरे हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर के लिए, तो इसके लिए चलते हैं होम फ्रेगमेंट पे। और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के अंदर बैनर के अंदर हम जो है सिर्फ बैनर पुश नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी मदद से हम जो है बैकग्राउंड भी निकाल लेते हैं। प्लस अंडरस्कोर बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड भी मिल चुका है और इसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को हमें पुश करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सिंपली जेसन एलिमेंट बना देंगे, बैनर पास कर देंगे, बैकग्राउंड पास कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, अब वापस से स्लाइडर पे चलते हैं और यहाँ पे इमेज जो सोर्स सेट किया था यहाँ पे अब हमें क्या करना है, स्टेप डॉट बैनर और बैकग्राउंड के लिए सेम स्टेप डॉट बैकग्राउंड। स्टेप हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया है चेक करते हैं, सिर्फ इतनी जगह पे स्टेप डॉट बैनर, ठीक है। तो अब सेव करते हैं और चेक करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा स्लाइडर जो है वो परफेक्टली सेट हो चुका है और बैकग्राउंड कलर भी जो है वो अच्छे से मैच हो रहा है इमेज के साथ। तो पता नहीं पड़ रहा है कि इमेज जो है वो एक्चुअली इतनी इमेज की विड्थ जो है वो कितनी छोटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्लाइडर अच्छे से सेट कर लिया। अब बाकी डेटा जो है वो भी हमें सेट करना है। तो स्लाइडर तो हमने सेट कर लिया, बाकी के नेक्स्ट चीज़ें जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।